Can a chief minister of Delhi run his government sitting behind the bar? Or my question is, क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं? इज देयर एनी लॉ रिगार्डिंग दैट और वेदर वॉट लॉ सेज अकॉर्डिंग टू विच आई एम गोइंग टू टॉक? आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ. आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स दैट हैज़ बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. मैं वो फैक्ट्स आपको बता रही हूँ. प्लस इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को या जो हो रहा है इन आर कंट्री रिसेंटली एंड उसी को इंटरलेट करते हुए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे देन यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया और आपको एक बहुत ही क्लियर चीज़ें और समझने में बहुत आसानी रहेगी. सो दैट्स वाई आई हैव टेकन एज एग्जाम्पल. ऐसा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना है मुझे या फिर अटेंशन ग्रैब नहीं करना है. बट माई सिंपल रूल टू अंडरस्टैंड अ थिंग या कोई सिंपल चीज़ को अगर आप चीज़ को आपको समझना है या किसी लॉ को आपको समझना है तो उसे रियलिटी के साथ अगर आप इंटरमिक्स करोगे देन आपको बहुत इजी जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन कैन अ सीएम रन हिज गवर्नमेंट सिटिंग बिहाइंड द बार. सो वेल देर इज़ नो प्रोहिबिशन दैट कि सीएम को ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है until and unless he is proven that he is guilty for the offense. अगर वो arrested हैं so there is no bar कि वो अपनी government नहीं चला सकते हैं. but practically हम देखें तो it is not possible कि आप jail में हैं and then from where you can run the government, क्योंकि multiple roles होते हैं play करने के लिए and if you are involved in some case then it's very difficult impractical to run a government sitting behind the bar. but there is no bar, it's a कोई strict provision nahi hai ki aap ye nahi kar sakte ho, right? kyunki he is just arrested right now. jab tak wo convicted nahi hote hai, matlab prove nahi ho jata hai ki he is found guilty for the offense, tab tak wo उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता रिजाइन करने के लिए, राइट? बट व्हाट इज दिस ऑल मैटर इज अबाउट, व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल? तो दिल्ली लिकर पॉलिसी केस है, एक्साइज केस है. ईडी की तरफ से उन्हें समन गया था, 9 summons सेंड किए थे टू अपियर इन फ्रंट ऑफ देम रिगार्डिंग अ केस. सो उनके ऊपर दिल्ली लिकर पॉलिसी केस एंड मीन्स केस चल रहा था रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर, मीन्स जांच चल रही थी, केस नहीं कहूँगी जांच चल रही थी रिगार्डिंग दैट. 9 summon हैज बीन सेंडेड टू हिम एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ही डिडंट अपियर इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट. तो 21 मार्च को उन्हें अरेस्ट किया. दिल्ली में उन्होंने प्ली फाइल करी टू फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, बट वो भी उनकी प्ली को जो था वो रिफ्यूज़ कर दिया गया. एंड रिफ्यूज़ इस बेसिस पे किया दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट बट इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू अ चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर. मैं आपको इस चीज़ के लिए बता देती हूँ, क्लियरली बता देती हूँ कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट के बेसिस में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई थी कि आई नीड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट, बट दैट प्ली हैज़ बीन रिफ्यूज फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट. अब ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट है वो कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड बहुत ईजिली आप ये अंडरस्टैंड करोगे. कैसे अंडरस्टैंड करोगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ प्रेसिडेंट एंड अ गवर्नर ड्यूरिंग द ऑफिस टर्म कैन नॉट बी प्रोसीडेड इन एनी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स. जब वो ऑफिस उसमें है, मीन्स अपने कार्यकाल में है, तो उन्हें किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स या फिर क्रिमिनल मैटर्स के लिए लाइबल नहीं है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इज गिवन टू प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट ही इज द सीएम ऑफ दिल्ली एंड प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती है. इफ दे आर फाउंड गिल्टी इन सम केस
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स, तो उनको इस पर्टिकुलर आर्टिकल या आर्टिकल 361 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, दैट्स क्लियरली स्टेटेड ओवर देयर, राइट? सो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया है, वेयर इट हैज़ बीन मेंशन. अगर आपसे कोई पूछता है तो नाउ इट इज़ क्लियर, इट्स मेंशन इन आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? अब लॉजिकली इम्प्रैक्टिकल है, दैट आई क्लियरली स्टेटेड कि लॉजिकली इम्प्रैक्टिकल है कि आप बिहाइंड द बार्स हो तो आप दिल्ली की सरकार कैसे चलाओगे. दिल्ली इज़ अ हार्ट, इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सरकार तो चलानी ही पड़ेगी इफ़ वी प्रॉपर फंक्शन नीड्स टू बी डन. अगर हम उसी केस में देखें तो मनीष सिसोदिया जी एंड सत्येंद्र जैन भी जेल में ही हैं, तो कैबिनेट के उनके जो दो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी जेल में हैं. अब कैसे चला सकते हैं? मीन्स इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड इन समथिंग देन इट्स फाइन, इट्स फाइन मीन्स इफ ही इज इन्वॉल्व इन सम केस, बट इट इज़ नॉट प्रूवन येट, मीन्स इनसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. आप तब तक इनसेंट हो जब तक आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो आपको गिल्टी प्रूव ना करते हैं. तो अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, सो जब तक वो कन्विक्टेड नहीं होते हैं या उनको डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि येस ही हैज बीन इन्वॉल्व इन दिस केस, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता रिजाइन करने के लिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर वो कन्विक्ट या वो गिल्टी प्रूवन हो जाते हैं देन ही हैज टू रिजाइन. इट इज़ क्लियरली मैंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट कन्विक्टेड, इफ़ यू आर कन्विक्टेड इन समथिंग देन अ चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. दो कंडीशन है रिजाइन करने की, अगर आप अपने पावर को प्रूव नहीं कर पाते हो, मतलब आपकी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाते हो इन असेंबली, तब आपको रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए देन आपको रिजाइन करना पड़ेगा. सो दीज आर दी टू कंडीशन जहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए बाइंड किया जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. वेर इफ ऐसा कुछ होता है जहाँ पे अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है वहाँ पे, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पे क्लियरली इम्पोज हो जाएगा. बट राइट नाउ ही इज़ बिहाइंड दी बार एंड मल्टीपल ऐसे केसेस हुए हैं. अभी अगर मैं आपको रिसेंट में बताऊँ तो झारखंड के जो सीएम हैं ऑन 31 January 2024 उनको भी अरेस्ट किया गया था. ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द पोजिशन, दैट इज ही वॉज इज सी एम, ही हैज़ टू रिजाइन. हेमंत सोरेन, उनको रिजाइन करना पड़ा था, उनके कॉलीग ने उनकी प्लेस ली थी चंपाई सोरेन ने. ऐसे प्रीवियसली भी हुआ है ऑन मल्टीपल केसेस, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मिस लालू प्रसाद यादव को भी रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि वो फोडा के स्कैम में इन्वॉल्व थे. ही वॉज कन्विक्टेड, तब वाइफ ने एज अ सीएम उनकी जगह संभाली थी. जयललिता जी के केस में भी ये हुआ था एंड वहाँ पे उनको 1996 में केस में वो इन्वॉल्व थी, जब 2014 में वो वहाँ पे कन्विक्ट हुई थी, प्रूव हुए थे उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे, तब उनको रिजाइन करना पड़ा था. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं चंद्रबाबू नायडू जी के, एंड मल्टीपल केसेस आर देयर जहाँ पे सीएम्स को रिजाइन करना पड़ा है व्हेन दे आर कन्विक्टेड. कन्विक्ट, जब तक आपका कन्विक्शन नहीं हो जाता है देन देर इज़ नो सच रूल, देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप को अपने पोजिशन से कोई फोर्स कर सकता है रिज़ाइन करने के लिए, कोई प्रोविजन नहीं है. बट रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रन अ गवर्नमेंट फ्रॉम बिहाइंड द बार. बट दैट इज़ दी अपडेट आई नीड टू शेयर विथ यू ऑन माई चैनल. Stay tuned with me guys. If you like the video, do share it with your friends.